Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another haul video. जैसे कि आपको टाइटल से पता है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट कुर्ती हॉल again a requested video by one of my माई so thank you for suggesting me and I highly appreciate your suggestion. अगर आप कॉलेज या ऑफिस जाते हैं and you are looking for some decent and affordable एंड then this is the video for you. आज मैं आपके साथ पांच कुर्तियाँ शेयर करूंगी जो मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज या ऑफिस के लिए परफेक्ट है और क्योंकि ये कुर्तियाँ फाइव हंड्रेड के अंदर है तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है मैं इन सभी कुर्तियों की बाइंडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो डू चेक इट आउट इफ यू वॉन्ट टू परचेज एनी ऑफ देम सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट वे सो दैट यू आर नोटिफाइड वैन एवर आई अपलोड अ वीडियो सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो तो ये है पहली कुर्ती दिस इज हाउ इट लुक्स ये व्हाइट कलर में है और इसमें ब्लैक कलर के प्रिंट्स बने हुए है और कुर्ती में ऑल ओवर लाइट ग्रे कलर का टाई एन टाई पैटर्न है एज यू कैन सी ये क्लॉक टावर बना हुआ है ब्लैक कलर से और यही प्रिंट पूरी कुर्ती में है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे आई थिंक वर अप्रॉक्सिमेटली फाइव टू सिक्स कलर्स ऑप्शन अवेलेबल पिंक ब्लू ऑरेंज मस्टर्ड तो आप कोई भी कलर ऑप्ट कर सकते हैं दिस हैज अ राउंड नेक एज यू कैन सी बहुत ही सिंपल सा राउंड नेक है और इसकी थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं एंड द मटेरियल इज प्योर कॉटन तो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये पैटर्न पूरी कुर्ती में है आगे भी और पीछे भी तो ये बहुत सिंपल सी कुर्ती है वेरी एप्ट फॉर कॉलेज और अगर आपको प्योर कॉटन पहनना पसंद है स्पेशली इन समर्स देन यू विल डेफिनेटली लाइक इट नाउ इसका साइज है मीडियम और मैंने जो साइजिंग चार्ट देखा था फ्लिपकार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग स्मॉल साइज मेरे लिए परफेक्ट था और मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था बट मैंने मेरे लिए काफी ज्यादा टाइट था स्पेशली अराउंड माई वेस्ट इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया और फिर मैंने मीडियम साइज मंगाया और ये मेरे लिए सही है और जैसे कि आप ट्राई ऑन में देखेंगे ऑल्दो इट्स अ लिटिल लूज फॉर मी बट क्योंकि ये कॉटन मटेरियल है इसलिए आई नो ये श्रिंक होगा दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट यू टू गो अ साइज अप एज पर योर रेगुलर साइज सेकेंडली मुझे जब यह कुर्ती रिसीव हुई तब इसमें कोई भी टैग नहीं लगा था विच इज़ क्वाइट अ बमर क्योंकि बाकी मेरी सारी कुर्तियों में टैग था बट सिर्फ ये एक कुर्ती है जिसमें टैग नहीं था बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कुर्ती इन टू हॉल इसका प्राइस है जस्ट रुपीज टू फोर्टी नाइन तो टू फिफ्टी रुपीज़ में एक कॉटन की कुर्ती मिलना आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्राइस अगर आप लोकल मार्केट में भी देखेंगे तो भी आपको थ्री हंड्रेड तक की ही कुर्ती मिलेगी कॉटन की और अगर आपको कॉलेज में इस तरह के सिंपल कपड़े पहनना पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन सो ऑल एन ऑल आई क्वाइट लाइक इट तो ये हो गई पहली कुर्ती मूविंग ऑन नेक्स्ट कुर्ती है ये दिस इज बाय द ब्रांड अहिका और मैंने इस ब्रांड की कुर्ती पहली बार ट्राई की है और क्योंकि ये ब्रांड रिक्वेस्टेड था बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर इसलिए मैंने इस ब्रांड से कुर्ती मंगाई है नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रंट से इसका कॉलर कुछ नेहरू स्टाइल है एंड देन इट एंड लाइक अ वी नेक और उसके बाद नीचे यहाँ पे बटन लगे हुए हैं और इसकी भी स्लीवस की लेंथ थ्री ही है इसका कलर है लाइट ब्लू और इसमें इस तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं विच इज ऑल ओवर द कुर्ती एज यू कैन सी कि पूरा ऊपर से नीचे तक फ्रंट में और बैक में इस तरह के फ्लास बने हुए हैं नाउ दिस इज एन ए लाइन कुर्ती तो इसमें साइड से आपको स्लिट नहीं मिलेगा तो इसको आप एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं इफ यू वॉन्ट और इसकी वैसे तो काफ लेंथ है बट सिंस आई एम शॉर्ट हाइटेड तो मुझे ये लगभग आ, मेरे एंकल तक आती है इफ आई टॉक अबाउट इट मटीरियल ये भी कॉटन मटीरियल है बट इट्स नॉट प्योर कॉटन इट्स कॉटन ब्लैंड और इसका मटीरियल थोड़ा सा सी थ्रू है तो अगर आप इसको एज अ कुर्ती ड्रेस पहनते हैं एंड इफ यू आर नॉट वेयरिंग एनी लेगिंग्स अंडरनीथ तो आपको कोई शॉर्ट्स वगैरह से पहनने पड़ेंगे बिकॉज इट्स अलट

आई डोंट थिंक आपको ये पसंद आएगी बट मुझे समोस के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी और स्पेशली इसका कपड़ा भी काफ़ी सूदिंग है समोस के लिए सो दैट दैट मू वी वॉन्ट डू समथिंग डिफरेंट नेक्स्ट कुर्ती है ये अच्कैन सी इसमें स्ट्रैप्स हैं एंड दिस इज फ्राम द ब्रांड अक्स और ये रेड कलर का कॉटन स्ट्रेट कुर्ता है एंड दिस इज कम्प्लीटली स्ट्रेट आप ट्राई ऑन में देखेंगे कि ये मेरे बिल्कुल एंकल तक आती है तो अगर आपकी भी हाइट मेरी जितनी है तो ये आपको एंकल तक ही आएगी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक बैक में इस तरह से इलास्टिक दिया हुआ है और जो स्ट्रैप्स हैं वो भी एडजस्टेबल हैं। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये जो प्रिंट है कुर्ती में इसको पटोला प्रिंट कहते हैं मुझे नहीं पता था इस प्रिंट को क्या कहते हैं बट मैंने फ्लिपकार्ट देखा कि इसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि ये पटोला प्रिंट है इसमें भी आई थिंक दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे बट मुझे रेड कलर अच्छा लगा इट्स क्वाइट वाइब्रेंट और क्योंकि ये स्ट्रापी है तो अगेन समर्स के लिए काफी अच्छी है ये भी एक ऐसी कुर्ती है जिसको आप कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं या तो इसको आप एक किसी लेगिंग के साथ स्टाइल कर सकते हैं एक एथनिक लुक के लिए या फिर आप इसको जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं फॉर अ कैजुअल लुक और इसका भी साइज मीडियम है And इसका एम आर पी यहाँ लिखा हुआ है वन जीरो डबल नाइन दट इज इलेवन हंड्रेड रुपीज़ और ये मुझे मिली है फोर रुपीज फोर एटी फाइव विच इज अगेन अंडर रुपीज फाइव हंड्रेड सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली वर्थ द प्राइस क्योंकि इस कुर्ती को आप बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हैं और इसका भी कपड़ा बहुत कंफर्टेबल है इट इज अ कॉटन मटीरियल तो ये भी समर्स के लिए एप्ट है सो दिस इज द नेक्स्ट कुर्ती मूविंग ऑन नेक्स्ट कुर्ती है ये दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड अहिका और इसका भी साइज मीडियम है इसका भी नेक हाफ नेहरू कॉलर की तरह है एंड देन इट एंड्स विद द वी नेक और इसके बाद नीचे इसमें बटन्स लगे हुए हैं ये सिर्फ शो के लिए हैं बटन्स और इसकी भी स्लीव्स थ्री फोर्थ हैं एज यू कैन सी और ये ब्लू कलर की कुर्ती है और इसमें इस तरह से लाइट ब्राउन कलर के कुछ प्रिंट्स बने हुए हैं और ये प्रिंट ऑल ओवर कुर्ती में है फ्रंट में भी है और बैक में भी है एंड दिस इज अगेन कॉटन मटेरियल ये भी प्योर कॉटन नहीं है बट इट्स लाइक अ काटन ब्लैंड सो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर समर्स तो ईजिली आप इसको समर्स में पहन सकते हैं नाउ इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा लंबी है और मैंने किसी भी कुर्ती की लेंथ कम नहीं कराई है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि इसकी लेंथ एग्जैक्टली कितनी आती है आई हैव टोल्ड यू माई हाइट इज़ फाइव वन और अगर आप मेरी हाइट के हैं तो आपको भी ये उतनी ही लेंथ आएगी जितनी मुझे आती है सो इट इज़ क्वाइट लॉन्ग फॉर मी नाउ इसका एम आर पी यहाँ मैंशन है फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ बट मुझे डिस्काउंट के बाद फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की मिली थी एंड आई थिंक फोर हंड्रेड रुपीज़ में ये काफ़ी अच्छी कुर्ती है स्पेशली इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है सो इट्स अ डिसेंट कुर्ती इन दिस प्राइस इस कुर्ती को भी आप कॉलेज या ऑफिस में ईजीली कैरी कर सकते हैं इट विल बी वेरी कम्फर्टेबल

दिस इज द स्लेट अभी आप ट्राईल में देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे दिखती है इसका नेक भी थोड़ा डिफरेंट है ऑल्दो इट्स लाइक अ सिंपल यू नेक बट साइड में इस तरह का हल्का सा इन्होंने यहाँ पे स्लेट दे रखा है और यहाँ पे एक हुक लगाया हुआ है ताकि आपको इसे पहनने में प्रॉब्लम ना हो तो ये बाकी कुर्तियों के कंपेरिजन में थोड़ी सी अलग है बाकी कुर्तियाँ बहुत ही सिंपल हैं एंड दे आर परफेक्ट फॉर कॉलेज एंड ऑफिस बट इफ़ यू हैव सम्मॉल इवेंट इन योर कॉलेज और इन योर ऑफिस तब भी आप इसको पहन सकते हैं और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये भी बहुत लंबी है एज यू कैन सी तो इसकी भी लेंथ मुझे कम करानी ही पड़ेगी बिकॉज uh, ये भी मेरे एंकल तक ही आती है ना इफ आई टॉक अबाउट इट्स मटीरियल दिस इज माई फेवरेट दिस इज रेन मटीरियल एंड इफ यू नो मे यू नो कि मुझे रेन मटीरियल सबसे ज्यादा पसंद है कुर्तियों में ना इसका साइज है स्मॉल और मैंने फ्लिपकार्ट मेजरमेंट्स uh, देख के ही ऑर्डर की थी हर कुर्ती तो इस ब्रांड का स्मॉल साइज मेरे लिए परफेक्ट है और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे इसका एम आर पी मैंशनड है एलेवन नाइनटी नाइन रुपीज़ विच इस ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ बट मुझे डिस्काउंट के बाद फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की मिली है एंड दिस इज कम्पलीटली वर्थ योर एवरी पेनी अगर आपको ये फाइव हंड्रेड के अंदर मिलती है देन यू शुड डेफिनेटली ग्रैप दिस सो दैट्स द लास्ट कुर्ती सो दोज वर ऑल द आई गॉड फ्रॉम फ्लिपकार्ट आई होप ट्राई ऑन देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपको इनमें से कौन सी कुर्ती लेनी चाहिए ये सभी काफी हैं, दे आर परफेक्ट फॉर कॉलेज और ऑफिस और इन सबका मटेरियल भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है स्पेशली फॉर समर्स लास्ट कुर्ती वॉज माई फेवरेट बट लेट मी नो आपको इसमें से कौन सी कुर्ती पसंद आई ऑल्सो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच कुर्ती हॉल्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट एमजॉन और मीशो देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो विद दैट सेट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद समेन बाय